नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको भारतीय रेल की एक ऐसी ट्रेन के बारे में जानकारी दूंगा जिसका किराया 8,75,000 से भी ज़्यादा होता है प्रति व्यक्ति। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको उस ट्रेन के बारे में बताता हूँ। दरअसल उस ट्रेन का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ये ट्रेन भारतीय रेलवे की एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन को ऑपरेट मेंटेन करता है IRCTC। इस ट्रेन का पहला रन 26 जनवरी 1982 में हुआ था। तब से लेकर आज तक लगभग 37 साल से ये ट्रेन इन सर्विस है। पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन को भारतीय रेलवे ने राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया था। अब देखते हैं कि इस ट्रेन का किराया 8,75,000 रुपये प्रति व्यक्ति क्यों होता है। दरअसल इस ट्रेन में विदेशी पर्यटक सफ़र करते हैं, इसीलिए इस ट्रेन का किराया उस स्तर का रखा गया है। और ये ट्रेन चलता फिरता 5-स्टार होटल है और इस ट्रेन की सुविधाएँ भी 5-स्टार होटल जैसी होती हैं, इसीलिए इस ट्रेन का किराया थोड़ा महंगा है। इस ट्रेन का किराया 3 श्रेणियों में होता है। पहली श्रेणी डीलक्स कैबिन, जिसमें 2 यात्री सफ़र करते हैं, जिसका किराया लगभग 3,15,000 रुपये होता है। दूसरी श्रेणी डीलक्स कैबिन, जिसमें सिंगल यात्री सफ़र करता है, जिसका किराया लगभग 4,25,000 रुपये होता है। और तीसरी श्रेणी, जिसका किराया लगभग 8,75,000 रुपये होता है, सुपर डीलक्स कैबिन। ये जो किराया मैंने बताया है, ये किराया विदेशी पर्यटकों के लिए है, लेकिन अगर कोई भारतीय इस ट्रेन में सफ़र करना चाहता है तो उसके लिए किराया थोड़ा अलग होगा। भारतीय यात्री के लिए इस ट्रेन का किराया डीलक्स कैबिन, जिसमें 2 यात्री सफ़र करते हैं, उसका किराया होगा 2,73,000 रुपये। डीलक्स कैबिन, जिसमें 1 यात्री सफ़र करता है, उसका किराया होगा 3,63,000 रुपये। और सुपर डीलक्स कैबिन, जिसमें 1 यात्री सफ़र करता है, उसका किराया होगा 7,65,000 रुपये। पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में टोटल 23 कोच होते हैं, जिसमें 104 टूरिस्ट एक बार में सफ़र करते हैं। इस ट्रेन में 2 रेस्टोरेंट वाले कोच होते हैं, 14 सलून वाले कोच होते हैं, 1 बार-कम-लॉज वाला कोच भी होता है। इस ट्रेन में 2 पेंट्री कार वाले कोच भी होते हैं। अब मैं आपको पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के कोचेस की एक अद्भुत विशेषता बताता हूँ। इस ट्रेन के हर कोच का नाम राजपूत स्टेट्स के नाम पर रखा गया है। जैसे पहले कोच का नाम अलवर, दूसरे कोच का नाम भरतपुर, तीसरे कोच का नाम बीकानेर, चौथे कोच का नाम बूंदी, पांचवें कोच का नाम धौलपुर, छठे कोच का नाम डोंगरगढ़, सातवें कोच का नाम जैसलमेर, आठवें कोच का नाम जयपुर, नवें कोच का नाम झालावार, 10वें कोच का नाम जोधपुर, 11वें कोच का नाम किशनगढ़, 12वें कोच का नाम कोटा, 13वें कोच का नाम सिरोही और 14वें कोच का नाम उदयपुर होता है। इस प्रकार हर कोच का अलग अलग नाम होता है इस ट्रेन के। अब मैं आपको पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन का पैकेज 7 रातें और 8 दिन का होता है। ये ट्रेन अपनी यात्रा नई दिल्ली से आरंभ करती है। दूसरे दिन ये ट्रेन गुलाबी नगरी जयपुर पहुंचती है। तीसरे दिन ये ट्रेन रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहुंचती है और चित्तौड़गढ़ हिल फोर्ट पहुंचती है। चौथे दिन ये झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचती है। पांचवें दिन ये ट्रेन जैसलमेर पहुंचती है। छठे दिन ये ट्रेन मेवाड़ के दिल जोधपुर पहुंचती है। सातवें दिन ये ट्रेन भरतपुर के पक्षी विहार और आगरा के ताजमहल होते हुए 8वें दिन ये नई दिल्ली पहुंचती है। इस प्रकार ये ट्रेन अपने 7 रातें और 8 दिन के पैकेज की यात्रा को पूरा करती है। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। And friends, thanks for watching the Rail Yatri channel and keep supporting.